नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक लघु कहानी जिसका नाम है मंकी बिजनेस। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो बंदर खरीदने आया है और वह हर बंदर के 10 रुपये देगा। उस गाँव में बंदरों की मात्रा कुछ अधिक थी, इसलिए गांव वाले खुशी खुशी बंदर देने के लिए राजी हो गए। उस आदमी ने 10 रुपये के मूल्य में 1000 बंदर खरीदे और अब बंदरों की संख्या काफ़ी घट गई, इसलिए धीरे धीरे गांव वालों ने बंदर पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर घोषणा की कि अब वो 20 रुपये में एक बंदर खरीदेगा। ऐसा सुनते ही गाँव वालों ने फिर से बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द बंदरों की संख्या इतनी घट गई कि लोग ये काम छोड़ अपने खेती बाड़ी में लगने लगे। अब एक बंदर के लिए 25 रुपये दिए जाने लगे, पर उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी थी, पकड़ना तो दूर, उन्हें देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक बंदर के 50 रुपये देगा, पर इस बार उसकी जगह बंदर खरीदने का काम उसका असिस्टेंट करेगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ सकता है। उस आदमी की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट ने गांव वालों से कहा कि पिंजरे में बंद बंदरों को 35 रुपये में उससे खरीद लें और जब उसका मालिक वापस आए तो उसे 50 रुपये में बेच दें। फिर क्या था, गांव वालों ने अपनी पूंजी बंदरों को खरीदने में लगा दी और उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा ना ही उसका असिस्टेंट, बस चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना ज़्यादा मेहनत के जब पैसा आता दिखता है तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो अपने तर्कसंगत दिमाग की ना सुनकर लालच में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये लघु कहानी। आशा करता हूँ आपको ये लघु कहानी पसंद आई होगी। लघु कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये लघु कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी लघु कहानी सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।